जादू है क्या चाहिए। बकरी शादी बरात में यहीं पर ऑर्डर मिलेगा क्रैकर का। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल बुंदेलखंडी छोरा। तो दोस्तों आज अलविदा जुमा और 29वां रोजा, हो सकता है कि शायद आज 29वां रोजा इस 2023 साल का जो है ये आखिरी रोज़ा हो, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह ताला ने बख्शा, अल्लाह ताला ने रखवाए तो अगले साल फिर से रोज़े रखने की तौफीक अता होगी। सब अल्लाह ताला के ऊपर है, वो जिससे रखवा ले वो चाहे तो वो किसी से भी रोज़े रखवा सकता है। तो हम लोग बोलते हैं हमारे इतने रोज़े हो गए, नहीं ऐसा नहीं है, वो जिससे रखवाता है वही रखता है। तो आज अलविदा जुमा है और आखिरी रोज़ा हो सकता है, वैसे उम्मीद यही है कि शायद आज आखिरी रोज़ा हो जाए, क्योंकि आज गल्फ़ कंट्री में जितनी भी हैं, सऊदी है, वहाँ पर ईद हो गई है और वहाँ पर ईद होती है, उसके नेक्स्ट डे यहाँ पर इंडिया में ईद, एशियाई देशों में ईद अमूमन हो ही जाती है। तो शायद इस साल 29 रोज़े ही होंगे और धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है। तो अभी हम लोग जुमा मस्जिद, शाही मस्जिद जाने वाले हैं, जुमा मस्जिद नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चों बहुत परेशान करते हैं काफ़ी देर, जुमा मस्जिद थोड़ा दूर है। तो इधर देखो बच्चों, तो अभी जाके मैं आपको दिखाऊंगा हमारी शाही मस्जिद जहाँ पर हम लोग नमाज के लिए जाते हैं। तो दोस्तों शाही मस्जिद चलते हैं और ये है हमारी शाही मस्जिद, बहुत पुरानी मस्जिद है, बहुत पुराना ढांचा है और इतनी ही खूबसूरत। ठंडक बहुत है इस मस्जिद में, एसी तो अब लग गए लेकिन पहले से ही इस मस्जिद में काफ़ी ठंडक थी। मोटी कतई ईट की दीवारों की बनी हुई है शायद ये। और अरे ये देखिए, ये फैज़ ने किया, ये सबको मैं इत्र लगा रहा हूँ नमाज जाने से पहले, अलविदा जुमा की नमाज है उसके जाने से पहले सबको इत्र लगाया जा रहा है। वाह 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 वाह, ये हमारे जुहैर भाई, अमू भाई, फैजान भाई, फैज भाई भी हैं, फैज भाई साहब बोलिए इनको, फैज भाई नहीं, हमारे भाई बहुत एक्टिव रहते हैं लेकिन जब कुछ करना हो इनको तो पूरे ढीले बजाते, लो भैया कर लो जो करना हो। और मैंने भी अपने आपको इत्र लगा दिया भाई। 29वां रोजा बस आधा घंटा बचा है अफ्तारी के लिए और मैं इस वक्त अपनी छत पे आ गया हूँ। माइंड ब्लोइंग मौसम है भाई लोग, उफ, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम देखो, पीछे बादल देखो, एकदम यार बेहतरीन। हाँ बूंदे देखो, बूंदे गिर रही मेरे ऊपर और सूरज दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखो कैसा दिख रहा है, ये देखो एकदम ये आफ्ताब दिख रहा है, देखो बिल्कुल प्यारा सा, बेहतरीन मौसम हो रखा है भाई। दोस्तों आज अफ्तारी के लिए हम लोग ऊपर आए हैं क्योंकि चांद रात हो सकती है, चांद को देखने का मज़ा ही अलग है, बोलते हैं ना ईद का चांद, तो उसको देखने का मज़ा ही अलग है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग छत में आए हैं कि यहीं पर अफ्तारी करेंगे, यहीं पर मगरिब पढ़ेंगे और यहीं से चांद देखेंगे, ठीक है। और तो आज छत में ही अफ्तारी करने का प्रोग्राम उन्होंने डिसाइड किया था क्योंकि चांद देखने का भी प्रोग्राम था और वो देखना ज़रूरी है, अच्छा लगता है, जो खुशी होती है ईद के चांद को देखने की वो खुशी देखने के लिए छत में इफ्तार। दोस्तों चांद हम लोग देखने के लिए आए थे और मम्मी के थोड़े से डायरेक्शन पे चांद देख गया, ट्रायंगल बनाने की जरूरत है और बहुत प्यारा दिख रहा है, दे रहा है अभी, चला भी लेकिन कैमरे में नहीं आएगा, बहुत बारीक है, देखते हैं कोशिश करेंगे कि जैसे ही आएगा तो उसको कैमरे में भी लिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बारीक चांद है, मगरिब का तकरीबन आधा वक्त हो चुका है, हम लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं और अभी फिर से देखेंगे, बहुत बारीक चांद है, मतलब नहीं दिखाई देगा, अभी भी नहीं दिखाई देगा कैमरे में, तो नहीं दिखाई देगा, नमाज के बाद देखते हैं शायद थोड़ा डार्क हो जाए। और ये पहला चांद है अमावस्या के बाद जो पहला चांद लगता है, ये वो चांद है। तो चांद देखा, चांद की दुआ करी, अब नमाज का वक्त है और अब नमाज का टाइम है, मैं चांद की गवाही देता हूँ। मगरिब की नमाज सभी ने छत में ही पढ़ी क्योंकि वक्त नहीं था नीचे आके पढ़ने का या मस्जिद जाने का,
और ये देखिए हमारा प्यारा ईद का चांद धुंधला सा दिखाई दे रहा है, ये बादल है भाई नीचे ब्लैक कलर के, उसके ऊपर ये चांद दिखाई दे रहा है चमकता हुआ। वाह 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 वाह, फोकस कर पाना मुश्किल था क्योंकि बहुत बारीक चांद था, फिर भी कोशिश की गई आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए दूर से, तो दोस्तों पूरा अंधेरा हो चुका है, अब चलते हैं थोड़ा मार्केट के काम करने हैं। थोड़ा सा लग गया था, थोड़ा बुरा लग रहा है थोड़ा, क्योंकि अब मतलब ये है कि पता नहीं अगले साल जिंदगी रहेगी नहीं रहेगी, और अगले साल के रमज़ान मिलेंगे नहीं मिलेंगे अगले साल के, थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि रखते हैं रोज़े, रखते आ रहे हैं रोज़े, तो उससे थोड़ा सा बुरा लग रहा है बस। और आज खुशी भी है, भी इनाम वाला दिन है, कल इनाम मिलने वाला दिन, जिन्होंने रोज़े रखे हैं तिलावतें की है, इनाम वाला दिन है ईद, तो इनाम है भाई, तो धन भी आ गया है थोड़ा। हाँ अल्लाह ताला बस हम लोग के जो हमने रोज़े नमाज तिलावतें इस महीने में जो कुछ भी हमसे तूने करवाया, बेशक तूने करवाया, हम उस काबिल नहीं थे, हम तेरे सामने खड़े होने के काबिल नहीं थे, तूने हमसे सजदे करवाए, हम पढ़ने के काबिल नहीं थे, तूने हमसे कुरान पढ़वाई, तो सब कुछ तेरी रजा से हुआ, तो बस अल्लाह ताला उनको कबूल कर ले अपनी बारकाह में, बस यही है दोस्तों। तो चांद दिख गया है दोस्तों, चलते हैं दूसरे काम करते हैं, बच्चों को लेकर आना है अभी, वो अपने ननिहाल में है, जाते हैं बच्चों को लेकर आते हैं। और ये मदहा की ओपन मार्केट है पूरा, बहुत देर तक ये खुली हुई थी, मैंने रात को भी यहाँ पे जाके 12 एक बजे के आसपास भी कुछ सामान लेने गया था, तब भी ये पूरी मार्केटें खुली थी। फिलहाल ये रात के तकरीबन 8 बजे का स्कैन है, पूरी मार्केटें ओपन हैं। बाजी आई थी, सरवरी थी साथ में, भाभी थी, और देखिए पूरे जो पड़ोस मोहल्ले की मार्केटें हैं, सेवैयाँ वगैरह सब मिल रही है, ईद की सेवैयाँ भाई, मीठी ईद है, सेवैयाँ तो मिलना लाजमी है। ओह बहुत ही रौनक है। और उसके बाद में टाइम था कुछ हल्का फुल्का रिफ्रेश होने का, रिफ्रेशमेंट लेने का, बच्चे भी भूखे थे, तो बच्चों को पहले से हमने चिकन फ्राई खिलाया। जो है बोला माँ तो चिकन बिरयानी खाऊंगा, माँ ठीक है चिकन बिरयानी खा भाई, भैया ने सबको ट्रीट दी, और मैंने भी भैया मैंने उन्होंने भैया मुझे चिकन एग रोल खाना है, तो भैया ने मुझे चिकन एग रोल खिलाया, उसी की तैयारी हो रही है। और उसके बाद में बाजी लोग को लेकर आए, बाजी लोग को भैया लोग निकल गए थे बच्चों को लेके, और यहाँ पे भैया चिकन बर्रा मंगवाया था, बर्रा तो बर्रा ही है, फिर पूरा बटर में आता है बढ़िया तरीके से बन कर ये निकल कर, और ये लजीज था, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ गया भाई खाने में इसको, वाह क्या बात है। और ये हमारा इम्मू मामू हैं, बहुत फ़ोन लगाया नहीं मिल रहा था, तब जाके मालूम चला कि एक मिलाद में गया हुआ है, और बोतलों से खेल रहा है, बताओ यार बच्चों के साथ में, जिस उम्र में इसे एक और बच्चा करना चाहिए उस उम्र में ये बच्चों के साथ में बोतलों से खेल रहा है, घूम रहे दोनों, ठीक है वही वाली दुकान है जहाँ से बड़े चुराने हम लोग आते थे, वही वाली खोलो वही वाली। और आज मेरे बड़ी इमाम वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है आज, सालगिरह भाई चला कल सेलिब्रेट होगा, और अभी मोनिश आने वाला है, मोनिश को हम लोग पिक करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, मरुआ से निकल गया ना, मरुआ से निकल रहा है, बस वो आ रहा है फिर घर जाएंगे। और मोनिश हमारे बबलू मामू का लड़का है, ये फिलहाल दिल्ली से आया था और कानपुर से बाई रोड आया है बस से, और रात के तकरीबन इसको पौने एक बजे पिक किया हमने बड़े चौराहे से। छोटी छोटी खरीदारी चलती रह रही है, अभी पता नहीं दोबारा कितनी बार आना पड़ेगा, है ना मोनिश भाई भी आ गए हमारे साथ, चलो भाई चलते हैं अब घर, नींद बहुत आ रही है मेरे को। चले अभी घर से आएगा कॉल, ये ले आना, फिर मैं बोलूँगा ठीक है, फिर आएगा फोन ये ले आना, वो भी बोलूँगा ठीक है, फिर वो ले आना, एक तो ये ले आना वो ले आना, भैया समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। ठीक है तो चलिए दोस्तों, ये था आज का आखिरी रोजे का व्लॉग एंडिंग, और मिलते हैं कल ईद वाले ब्लॉग के साथ, देखते हैं ईद में कैसा कैसे धमाके होंगे, क्या क्या होने वाला है, ईद कैसे सेलिब्रेट होगी, इंशाल्लाह रोज़े रखे हैं अच्छी ही ईद सेलिब्रेट होगी। चलिए मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो तक के लिए, जय हिंद जय भारत।